हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडीबक्स। और मैं हूँ रूपा शर्मा, एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी सीरीज चल रही है इस समय, वो आपके सिसी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ है 2019 में, उसका रीजनिंग का सेक्शन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तक हमने 23rd और 22 की दोनों शिफ्ट हो चुकी हैं, शिफ्ट नंबर 1 एज वेल एज शिफ्ट नंबर 2। 23rd का शिफ्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे शिफ्ट नंबर 2, जिसमें भी पार्ट 1 रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to 25 कवर होंगे। सो उम्मीद यही है कि सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आप अपने जो ग्रुप हैं, आपके स्टडी ग्रुप्स, उनमें इनको ज़रूर शेयर करें, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो इन सॉल्यूशंस की तलाश में होंगे, तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, बिकॉज क्योंकि कई बार लेट भी होता है नाइट में सेशन अपलोड, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी सेशन अपलोड किया जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही के साथ जो आपका टेलीग्राम चैनल है, ये आपको ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि जो भी पीडीएफ होगी या डेली क्विज यहाँ पर पढ़ेंगे, कंपाइलेशन पीडीएफ्स हैं, तो वो सब यहाँ पर ही है। एंड ऑल्सो क्लास के जो अपडेट्स हैं, वो भी टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलेंगे, तो ये मस्ट है आपके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। ऑलराइट, नाउ कम टू द क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल, ये काइंड ऑफ मिसिंग नंबर जो आपका पूछा जाता है फिगर में, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ बाउंड उसने ये किया है कि आपको सिर्फ रो में प्रोसेस पता करनी है, आप कॉलम में चेक नहीं कर सकते। क्लियर? यहाँ पर बहुत सारे लॉजिक आपने लगा कर देखे होंगे, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके, या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, बट आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ जो लॉजिक लग रहा है वो इन दोनों का है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर जब आप करेंगे तो इनका जो सम आएगा 36 + 16, उसे आपको 2 से डिवाइड करना है, तब जाकर आपको थर्ड नंबर मिलेगा। क्या करेंगे आप, पहले फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करिए, फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर करिए, इन दोनों का सम कीजिए, और उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको 2 से डिवाइड करिए, तब आपको थर्ड नंबर मिलेगा। सिमिलरली रो 3 में भी यही प्रोसेस चलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 + 16, दैट विल गिव यू, ऑल राइट, ये यहाँ पर 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, ये आपको देगा यहाँ 40। 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, ये एज बेस्ड क्वेश्चन है, उसने कहा है ये रेशियो है, यहाँ पर एन नहीं आएगा, रेशियो ऑफ द फादर्स एज टू द सन्स एज इज 5:2, तो फादर और सन की जो एज है उसका रेशियो 5:2 आपको दिया गया है। उसने कहा इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 160, यानी कि 5x × 2x इज इक्वल्स टू 160, तो ये कितना हो जाएगा, 10x². यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सो 16 आ जाएगा, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो जो x की वैल्यू आई वो आई 4। उसने पूछा है व्हाट इज़ द एज ऑफ द फादर, तो फादर का जो रेशियो बन रहा था वो 5, यानी कि 5x, x की वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 20, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, या हर एक जो ऑपरेशनल साइन होते हैं आपके, जो मैथमेटिकल साइन होते हैं, उनका हर एक जो ऑपरेशन है वो चेंज कर दिया गया। जैसे प्लस का मतलब होता है एडिशन, बट यहाँ पर उसको आप किस तरह से देखेंगे, डिवीजन की तरह से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है जहाँ प्लस दिखाई दे उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पर जैसे अब इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया क्या है, अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपनी इक्वेशन पर। अब आपको पता है पहले आप ये छोटे ब्रैकेट्स खोलेंगे, देन जाकर आपकी कर्सिव ब्रैकेट खुलेगी, और देन जाकर बड़ी वाली ब्रैकेट। ठीक, नाउ ये पूरा है आपका, यहाँ देखिए 18:16 का मतलब होता है माइनस, तो 18 - 16 इसे आप डायरेक्टली 2 भी लिख सकते थे, एंड माइनस की जगह आता है एडिशन,
5 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 5:2 लिखेंगे इसको। प्लस का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन का साइन लगा दिया। 5 माइनस 1, माइनस का मीनिंग होता है एडिशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, और डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लाई। तो ये इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी साइन चेंज करने के बाद। ये 2 प्लस यहाँ से 10 आ जाएगा, ये पूरा एक इक्वेशन है। डिवाइडेड बाई 5 + 1 = 6 एंड 6 × 1 = 6, तो ये 12 / 6 आंसर आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एनालॉजी का सवाल है, लेटर क्लस्टर दिए हैं, तो देखती है जे एम पी का रिलेशन उसने एच ओ एन से दिया है। दिस इज 16, दिस इज 14, दिस इज 13 एंड दिस इज 15। जे की प्लेस वैल्यू 10 और एच की 8 होती है, तो 10 से 8 यानी कि -2, 13 से 15 +2, 16 से 14 -2। तो यही सेम पैटर्न आपका ए डी जी में भी काम करेगा। तो ए माइनस टू जब आप करेंगे, ए डी जी यहाँ लिख लेते हैं 1, 4 एंड 7, इसमें से जब आप -2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1, और -1 का मतलब क्या होता है, -1 का होता है मतलब 25। क्यों? क्योंकि इसमें 26 आप प्लस करते हैं तो आपको 25 मिलेगा, जो कि y की प्लेस वैल्यू होती है। अब देखिए यहाँ पर आप स्मार्ट अप्रोच ये अपनाएंगे, जो एक सही तरीका है वो कि यहीं पर आप आंसर मार्क कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट लेटर में अगर आप बाय देखें तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बाकी यहाँ आप टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे एग्जाम में इन सबको चेक करके, ठीक। पर यहाँ क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, 4 + 2 आएगा 6, और 6 किसकी वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू f की। 7 - 2 विल गिव यू 5, दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ e, तो y f e विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करेंगे, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। रामा इज द ब्रदर ऑफ आयुष, जो रामा है वो किसका ब्रदर है, आयुष का ब्रदर है, बट आयुष का हम जेंडर अभी नहीं क्लियर है हमारे लिए, उसने नहीं बताया है भाई है या बहन है, रामा भाई है तो वो मेल हो जाएगा। सीता इज द वाइफ ऑफ जिग्नेश, सीता जो है वो जिग्नेश की वाइफ है। अच्छा, आयुष इज द हस्बैंड ऑफ सविता, आयुष सविता के हस्बैंड है, तो आयुष का जेंडर भी क्लियर हो गया यहाँ पर, दिस इज सभी, सविता को सभी लिख दिया मैंने शॉर्ट में। दुर्गा इज द डॉटर ऑफ जिग्नेश, जिग्नेश की डॉटर कौन है, दुर्गा फीमेल हो गई। जिग्नेश इज द फादर ऑफ रामा, जिग्नेश रामा के भी फादर हैं, तो अगर मैं इसको देखूं पूरी इक्वेशन को तो ये उठ के कहाँ चला जाएगा, पूरा ट्री रामा के ऊपर है ना, तो रामा की सिस्टर हो गई दुर्गा बेसिकली, क्योंकि दुर्गा के भी फादर कौन है, जिग्नेश, तो यहाँ पर जिग्नेश आ जाएंगे। जे से इसको दिखा देते हैं, और सीता क्या है, इनकी वाइफ है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ कहते हैं हाउ इज दुर्गा रिलेटेड टू सविता, देखिए दुर्गा के भाई की वाइफ है सविता, तो दुर्गा सविता की क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो वाई यहाँ पर दिया गया है इसकी जगह आपको ये सिंबल जो दिए हैं साइन यहाँ पर, इनका पेयर पुट करना है, मैथमेटिकल साइन यहाँ पर दिए गए हैं, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है। जैसा कि हमने कहा है डिवीजन के साइन को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, तो देखो अगर इसको चेक करोगे तो 6 / 4 नहीं हो सकता है ना, फ्रैक्शन में आएगा, एलिमिनेट। नाउ 2 / 3 नहीं हो सकता, अगेन आप एलिमिनेट करेंगे इसे, इवन 16:2/3 भी लिखेंगे तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, फ्रैक्शन में ही आएगा। अब आपके पास ये दोनों ऑप्शन बच जाते हैं, तो यहाँ देखिए 16/2 = 3 = 6:4, यहाँ से कितना बार गया 8 times, 8:3 = 24 एंड 6:4 = also 24, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, यू नीड नॉट टू चेक द ऑप्शन नंबर बी हियर। 7 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक इंग्लिश डिक्शनरी की ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है वर्ड्स को, तो उसने कहा कि पहले इन वर्ड्स को अरेंज करिए और फिर बताइए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो सेकंड नंबर पे आएगा। तो सी के बाद यू सभी में दिया गया है, उसके बाद आता है एम, देन सी, आर और फिर से आर, आर के बाद फिर लिख लीजिए यहाँ पर आई और यहाँ पर टी। तो देखो ज़रा यहाँ पर
जब आप इसे अरेंज करोगे तो सबसे पहले कुकुम्बर आएगा, सी यू सी यू एम, कुकुम लिख लेती हूँ मैं। उसके बाद देखिए 13 आता है 18 से पहले, तो ये आ जाएगा कम्बरसम, यानी कि सी यू एम बी ई आर। अब ये देखो यहीं पर आंसर आ गया आपका, तो कम्बरसम विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड प्लेस पर बताना है ऑफ ए क्यूरियस एंड देन कर्टेंस, तो बेसिकली कुकुम्बर आ गया फर्स्ट प्लेस पर, बाकी सब एज इट इज ही रहे हैं। कुकुम्बरसम कुकुम्बर फर्स्ट प्लेस पर और कम्बरसम सेकेंड प्लेस पर, क्यूरियस और कर्टेंस बिल्कुल करेक्ट रखे हुए हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पर डिफरेंस चेक करिए, यहाँ पर डिफरेंस है 1, यहाँ पर डिफरेंस 12, ठीक। और आप इसको दूसरी तरह से देखिए, 1 के बाद सीधा 12 आपको कोई लॉजिक नहीं दिखेगा। अब आप मल्टीप्लाई पर जाइए, 9:1 = 9 + 1 = 10, अब 10 से 22, 20 + 2 = 22, नाउ 22:3 = 66 + 3 will give you 69, नाउ 69:4 होना चाहिए और फिर उसमें प्लस 4 करेंगे आप, तो यहाँ देखिए 4×9=36, 4×6=24 और 3 कितना होता है 276, अब प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 280। इसका मतलब आप यहाँ पर 280×5 करिए, जो रिजल्ट मिले उसमें प्लस 5 करिए, तो यहाँ पर देखेंगे 0 0, और 5×8=40 होता है, 5×2=10, तो वो क्या हो जाएगा 14, प्लस 5 आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1405, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए 7 से 8 किया गया है यानी कि +1, 8 से 14 + 4, 12 से 21, 12 से 21 + 9, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर, बहुत आसान सवाल था। 21 से 37 यानी कि +16, दिस इज अगेन द 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस होना चाहिए यानी कि 25, तो 25 जब आप इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7×5=12 विल गिव यू व्हाट 62, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करेंगे, एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सवाल कहता है जैकॉब इज द पैटर्नल अंकल ऑफ कैरोलीन, तो जैकॉब को जैसे पैटर्नल अंकल हैं तो मेल हो जाएंगे, तो ये हम ऐसे कह सकते हैं अगर हम इसे सही तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो जो जैकॉब हैं वो कौन है, कैरोलीन सी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके फादर के भाई, क्योंकि जेंडर क्लियर है ना, एरोन एंड जैक, क्योंकि पैटर्नल बोला है तो फादर के ही ब्रदर होंगे, एरोन एंड जैक आर द ब्रदर्स ऑफ जिल। यहाँ पर अब देखिए जैकॉब को यहाँ पर जे भी लिख लीजिए, क्योंकि जैक जे से जैक भी दिया गया है, तो जो जैक और एरन हैं वो यहाँ पर कौन है, जिल के भाई हैं, ठीक, दिस इज जैक, जे के लिख लीजिए, तो ये दोनों जेंडर क्लियर है, बट जिल का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है, बट यहाँ उसने कहा है कि जो जिल है वो कैरोलीन की मदर है, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगी जिल, इनके दो भाई हैं जे के, जैक और एरन, ठीक है। अच्छा, मैरी इज द मदर ऑफ जैकॉब, मैरी जैकॉब की मदर है, यहाँ आ गई मैरी। अब पूछ रहा है कैरोलीन इज द वाइफ ऑफ डेविड, कैरोलीन का जेंडर क्लियर कर दिया, क्यों, क्योंकि डेविड कौन है, हस्बैंड हो गए इनके, तो ये फीमेल हो जाएंगी। हाउ इज कैरोलीन रिलेटेड टू एरन, ये रही कैरोलीन और एरन बैठे हैं यहाँ पर, तो कैरोलीन की मदर के भाई हैं वो, तो कैरोलीन का एरन से क्या रिलेशन हो जाएगा, नीस का रिलेशन हो जाएगा, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगेन डिविजन पर आपको प्रायोरिटी रखनी है, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर बाकी तो फर्स्ट प्लेस पर ही दिख रहा है, पर सी में थर्ड प्लेस पर है, तो अगर आप थर्ड प्लेस पर रखेंगे तो देखिए क्या आंसर आ सकता है, नहीं आएगा, 3 से ना ये डिविजिबल है ना ये डिविजिबल है, तो ये हो गया आपका एलिमिनेट यहाँ से, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 से शुरुआत कर देते हैं, है ना। अच्छा, सो यहाँ पर 24 / 6 विल गिव यू व्हाट, 4×3 then is equals to n plus n plus,
तो ये देखो यहाँ पर 20 बन रहा है, बट 4 इंटू 3 20 नहीं होता, तो ये हुआ कैंसिल। 2 पर आ जाइए, यहाँ से तो 4 ही मिलेगा, 4 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6 दैट इज 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 प्लस 4 दैट इज ऑल्सो 16, तो 16 इज इक्वल्स टू 16, RHS और LHS इक्वल हो गए, यही आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12th क्वेश्चन पर आ जाएं, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑप्टेन 40% अरिथमेटिक के काफ़ी सवाल हैं यहाँ पर, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑप्टेन 40% ऑफ द मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स टू पास, ये मैक्सिमम मार्क्स टू पास हैं, कम से कम 40% तो चाहिए ही चाहिए उसको, ठीक है, पास होने के लिए। तो अगर वो 80 मार्क्स ऑप्टेन करती है और 20 मार्क्स के चक्कर में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तो बेसिकली उसको 20 मार्क्स और चाहिए थे तब वो पास हो जाती है, यानी कि जो 100 मार्क है वो क्या है 40% के इक्वल, क्योंकि इतना तो आपको पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो वो पूछ रहा है हाउ व्हाट वर द मैक्सिमम मार्क्स, जो आपका टोटल निकल कर आता है उससे पूछ रहा है, 500 से मतलब है मेरा टोटल, ठीक है। चलिए, तो अगर 40% इज इक्वल्स टू व्हाट 100, तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है टोटल, टोटल का मतलब 100, 100 डिवाइडेड बाय 40 इज टू 100, तो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये अगर आप कैंसिल कर लेते हैं तो दिस विल गिव यू 25, तो 250 नंबर का क्या था पेपर था, तो आंसर क्या आ जाएगा 250। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए सेलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, अगेन नंबर सीरीज दी गई है यहाँ पर, मिसिंग नंबर है, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं है, मिसिंग नंबर सीरीज में यहाँ अल्टरनेटली देखो, पहली नज़र मेरे इन छोटे नंबर्स पे जैसे ही पड़ी यहाँ पता चल गया प्लस वन आएगा, पर मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि मुझे इस प्लेस पर निकालना है, तो आई हैव टू चेक दीज नंबर्स। 12 से 24 इंटू 2 किया गया है, 24 से 72 इंटू 3 किया गया है, तो अब जब 2 के बाद 3 है तो 4 आना चाहिए, एक बहुत छोटा सा कॉमन सेंस है ये, तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो 8 शुड बी ऑन द यूनिट नंबर, तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो ये 8 और 28, 288 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं, ये पूरी फिगर अपने पॉइंट पर रोटेट कर रही है, घूम रही है, कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, देखिए ये यहाँ था, अब ये लौट कर कहाँ आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, डन, फिर उसके बाद लौट कर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, और उसके बाद फिर लौट कर कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर, तो ये दोनों तो हो गए एलिमिनेट, है ना। अब यहाँ पर देखिए जब ये जाएगा तो ये डार्क वाला जो सर्कल है वो इसके पीछे पीछे रहेगा कि नहीं, है ना, रहेगा, तो ये यहाँ पर पीछे ना देकर कहाँ दिया है, आगे, तो दैट्स वाई दिस विल बी द रॉन्ग वन, और यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बढ़िया, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, मिरर इमेज दी गई है, ए बी जो लाइन है इस पर मिरर रखा गया है, तो आपको बताना है क्वारंटीन का मिरर इमेज क्या बनेगा, ई का मिरर इमेज ऐसे बनाएंगे, ठीक है, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा, यहाँ तो डी आ गया है, कैंसिल, टॉप और बॉटम चेंज हो गया, कैंसिल। अब यहीं से कॉमन सेंस लगाइए, ये चेक करने हैं बस आपको, जो डिफरेंट दिखाई देना वहीं पर आपको जंप करना है कि यहाँ क्यों डिफरेंट है। अब यहाँ ए है, यहाँ पर डी है, क्या क्वारंटीन में कहीं डी आता है बीच में, नहीं आता है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गया, क्लियर। और ये कैन से ये डी डी मान के मैं क्यों चल रही हूँ, डी मुझे दिख रहा है यहाँ से, बट ये क्यू की इन्होंने क्या दे दिए, दिस क्यू की इन्होंने मिरर इमेज दे दिए इस तरह से, वो भी टॉप ऑन हेड चेंज करके दे दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। 16 पर आ जाते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे इस सवाल को, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, एक्स पॉइंट से शुरू किया है किसी ने, 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ टू रीच द पॉइंट वाई, दिस इज एक्स पॉइंट, 20 मीटर साउथ पे चले वाई पॉइंट पर पहुंच गए,
वहां से उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया है, तो जब हम साउथ में जाते हैं तो हमारा राइट क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है. एंड वॉक 25 मीटर टू रीच पॉइंट जेड. दिस इज पॉइंट जेड, जो डिस्टेंस चली गई यहाँ तक आने के लिए वो 25 मीटर की है, 25 मीटर. ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड फॉर अनदर 20 मीटर. ये देखिए नॉर्थ में जाएगा, लेफ्ट टर्न तभी मिलेगा. ठीक, ये 20 मीटर चला यहाँ से एंड टू रीच पॉइंट पी, ये पी पॉइंट पर पहुँच गया. सवाल क्या कहता है, वॉट इज द अप्रॉक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड जेड. एक्स और जेड के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपको निकालनी है. तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए. अप्रॉक्स पूछी है उसने, वर्ड यहाँ पर देखिए अप्रॉक्स. अब ये क्यों लिखा है वो मैं आपको समझा देती हूँ. 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, और इसका भी आप रूट कर दें तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, एक्स जेड की. यही हमें चाहिए. तो 400 प्लस 625, ये टोटल क्या बनेगा आपका, 1025. बट 1025 तो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर नहीं होता. तो ये अप्रॉक्स अगर आप देखोगे तो ये 32 के स्क्वायर के बराबर है. ठीक, तो 32 का वैसे स्क्वायर क्या होता है, 1024, बट ये 1025 है, अप्रॉक्स 32 मानकर चलिए. दूसरा सवाल पूछा है, अब देखिए 32 का आंसर तो ऑप्शन नंबर डी ही दिया है तो यही आंसर आ जाएगा. बट समझ लेते हैं यहाँ पर, एंड इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन्स फाइनल पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में पर्सन की फाइनल पोजिशन ये है जहाँ वो पी पर पहुँचा, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन है, तो ईस्ट की तरफ है कि नहीं है. तो 20 पहले जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर 32 मीटर, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज डायरेक्शन वो आ जाएगी ईस्ट. क्लियर, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तीन क्लासेस दी हैं, सोल्जर्स, राइडर्स एंड मैन. तो मैं कह सकती हूँ कुछ सोल्जर्स आपके राइटर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन दोनों की अगर हम बात करें तो कुछ सोल्जर्स और कुछ राइटर्स आपके मैन हो सकते हैं. क्लियर है इतनी बात. तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट विल बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन और द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन. अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18. स्टेटमेंट दो है, कंक्लूजन दो है, चलिए शुरू करते हैं. सम जार्स आर मग, कुछ जार जो हैं आपके वो मग हैं. सम मग आर पॉट्स, तो ये इस तरह से बनेगा. निष्कर्ष कहता है कुछ मटके मग हैं. सम पॉट्स आर मग, ये रहा, बिल्कुल फॉलो करेगा. सम पॉट आर जार, तो देखिए जार यहाँ पर है, पॉट यहाँ पर, डिस्टेंस है इनके बीच में, इन दोनों का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नॉट फॉलो करेगा. और वी कैन से कांट से, पॉसिबिलिटी कहता तो काम कर जाती, तो सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलो करेगा, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी. 19th क्वेश्चन देखेंगे, इसको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, जम्बलिंग का क्वेश्चन है. तो फर्स्ट लेटर सबका एस, उसके बाद आया 16 यानी कि पी, 13 एम, 20 टी, और फिर से 13 आया है तो ये आ गया एम. अब यहाँ पर 13 के बाद आई है, दैट इज 9, और यहाँ पर है ए, दैट इज 1. तो ऑफकोर्स ये पहले आएगा, यानी कि फोर्थ नंबर, इससे पहले आएगा 2 से पहले. तो 4 और 2 का पेयर तो बन गया हमारा. नाउ एस के बाद क्या दिया है उन्होंने, ए यानी कि 1. तो सबसे पहले नंबर पे 5 आएगा, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी एंड डी ओनली. 4 के बाद 2 आप देखिए सिर्फ यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. ये ऑब्जर्वेशन है, नथिंग एल्स. और ये कैसे आएगी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी. क्लियर, कम टू द नेक्स्ट वन. कटिंग फोल्डिंग का सवाल है, फोल्ड किया गया फिर पंच किया गया. तो देखिए जब ये यहाँ से इस तरफ पंच फोल्ड किया है, तो जब अनफोल्ड करोगे तो पहले इस तरफ ओपन होगा, यानी कि ये वाली फिगर आपकी पहले दिखाई देगी. तो जो एरो है उनको मैं ऐसे मान लेती हूँ, इस तरह से, मैं पूरा एरो नहीं बनाऊंगी, सिर्फ इस तरह से बनाऊंगी. ठीक, ये इस तरह से दिखाई देगा, तो ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई. ये देखो ये एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे, कैंसिल, ये फेस कर रहे हैं, ये भी फेस कर रहे हैं. अब ये जो ट्राइंगल की शेप है ये आपकी आती है एक कंसर्न, तो ये ट्राइंगल इस तरह से बनेगा यहाँ पर एक, तो देखिए ये यहाँ पर भी बन रहा है, यानी कि इनका जो बॉटम है वो एक दूसरे की तरफ फेस किए होगा, तो ये सब जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी, बस यहाँ नहीं है. तो आपके पास सिर्फ अब दो ऑप्शन बचे हैं. और ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है,
और इसी तरीके से ये धर्म नहीं है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। ये देखिए इनकी तो दिशाएं कहीं और जा रही हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर रोटेशन अलाउड नहीं है, ये फिगर आपको ढूंढनी है इन ऑप्शन में से। देखिए पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए ये फिगर यहाँ से जा रही है। ओके जस्ट लेट मी शो यू दिस फिगर। ये जो शू शायद शू जैसा बन रहा है ये आपका यहाँ पर बन रहा है। आई नो बहुत छोटा है बट ये यहीं पर बन रहा है। इसको मैं हटाती हूँ एक बार। देखिए अब इसको मैं फर्स्ट सिंगल लाइन से दिखा दी हूँ आपको। दिस इज द फिगर दैट इज गिवन इन दिस ऑप्शन। और कहीं पर ये नहीं बनेगा, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर देखेंगे आप तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका बेस्ड है नंबर सीरीज पर। अगेन तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार डिफरेंस चेक करेंगे सभी के बीच का। 8 + 9 = 17 होता है। नाउ 8 + 17 + 19 = 36 होता है। अगेन 36 में 75 अगर आपने लेकर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 15 - 6 = 9 और 6 - 3 = 3, 39 ऐड करना पड़ेगा। 14 - 5 अगेन 9 एंड 14 - 7 = 7। तो ये कुछ रिलेशन बन रहा है। तो डबल डिफरेंस आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर +10, यहाँ पर +20 और यहाँ पर क्या आएगा +40। तो देखिए ये क्या किया गया, यहाँ पर डबल हो गया। तो अब इसका डबल होगा तो कितना आएगा, +80 होना चाहिए और इसमें +80 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 179। ओके नो 179 नहीं, 909 हो जाएगा। 8 और 8 = 16 होते हैं तो ये होगा 159 यहाँ पर इनका डिफरेंस बनेगा। तो इसमें जब आप 159 ऐड करेंगे तो 9 * 4 = 13 और ये कितना हो जाएगा आपका 5 * 5 = 10 और 1 = 11 313 दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। 23 पर देखेंगे, यहाँ पर ये चाइनीज कोडिंग है जिसमें सवाल पर नजर डालेंगे सबसे पहले कि एग्जैक्टली पूछा क्या है। तो आपसे पूछा है सा और सो, ये कोड है ये किस लैंग्वेज को, किस वर्ड पेयर को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले कोड ढूंढ लीजिए सा कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए एक तो सा ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और कहीं भी सा दिखाई दे रहा है नहीं। तो इसका मतलब मुझे जी ए निकालना पड़ेगा और पी ए निकालना पड़ेगा तब जाकर मुझे कहीं सा पता चलेगा। अब देखिए पी ए तो मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और पी ए किसको इंडिकेट करता है, सो डी यू पी ए पीपल लिव नाउ को इंडिकेट करता है। और सा ग पा पीपल आर एंग्री, तो पा पा यहाँ पर कॉमन है और पीपल भी यहाँ कॉमन है तो पीपल का क्या वर्ड हो जाएगा पा, तो एक पा खत्म हो गया। जी ए देखिए जी ए यहाँ पर भी है और जी ए यहाँ पर भी है, इन दोनों में कॉमन क्या है, डोर्स आर लॉक्ड एंड पीपल आर एंग्री, तो आर यहाँ पर कॉमन है और जी ए यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ से मुझे सा का कोड तो पता चल गया, आर का पता है हमें, लॉक्ड का पता है, सॉरी आर का पता है और हमें पीपल का पता है, ठीक है। तो एंग्री का कोड क्या हो जाता है, एंग्री का कोड हो जाता है सा। अब देखिए एंग्री यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, कुछ और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको निकालना है, मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि सो का कोड कैसे निकलेगा। तो देखिए सो यहाँ पर है और सो यहाँ पर भी है, तो पीपल लाइव नाउ लिव नाउ और गो नाउ, इसमें देखिए नाउ कॉमन है तो नाउ किसके लिए आ जाएगा यहाँ पर, सो के लिए आ जाएगा, क्लियर है। तो सा सो का मतलब हो जाएगा एंग्री नाउ, दैट इज एन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कोडिंग जो आपका पूछा जाता है सवाल, कोडिंग डिकोडिंग उससे रिलेटेड है। गैदर का कोड देखिए, गैदर का कोड दिया गया है डी डी क्यू के बी यू, आर की प्लेस वैल्यू 18, यू की 21 होती है, 5 and 2 = 8, 11, 20 से क्या बना आपका 17, 1 से बना 4, ये डी है यहाँ पर भी, 7 से अगेन 4, तो देखिए 7 से 4 यानी कि -3, 1 से 3 + 3, 20 से 17 - 3, 8 + 3 = 5 - 3, अगेन 18 + 3, तो ऑल्टरनेटिवली -3 + 3 किया गया है। तो स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पर तो किस तरह से होगा, सबसे पहले -3 + 3 - 3 + 3
और माइनस थ्री, तो मुझे पूरा कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ई माइनस थ्री क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा, दैट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ बी। दो ऑप्शन में बी दिख रहा है, फर्स्ट लेटर चेक कर लेंगे, एस माइनस थ्री आ जाएगा यहाँ पर, 19 माइनस थ्री 16, दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ बी, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपकी स्मार्ट अप्रोच है, टाइम जैसे बचाओगे तो टाइम ऐसे ही बचाओगे आप, ये चेक करके कि कितना सॉल्व करना है क्वेश्चन, कितना नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट वन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। तो फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से कनेक्ट करके देखना है क्या प्रोसेस चल रही है, क्योंकि ये लेटर सीरीज है। तो 8 से 10 किया गया और 10 से 12 और फिर 14 प्लेस वैल्यूज देख लिया हमने। तो हर किसी लेटर में प्लस 2 किया गया है, यानी कि एक लेटर छोड़ के अगला लेटर लिखा गया है। तो 14 के बाद प्लस 2 यानी कि 16, दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ पी। तो पी यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, आंसर आ गया। बट हम क्योंकि यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, क्लास है हमारी, तो हम इसे सबको चेक कर लेते हैं। 2 से 5, 5 से 8 एंड 8 से 11, प्लस 3 किया गया है। प्लस 3 जब 11 में करोगे तो 14 आएगा, एन की प्लेस वैल्यू होती है, ये देखो यहाँ पर दिया गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, जो स्टूडेंट्स आपके नोन में स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़रूर बताएं, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका सोल्यूशन कहीं अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियली होने वाला है ना। सो फॉर द पीडीएफ डेली क्विजेज एंड अदर क्लास अपडेट्स, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना ही करना है। सोशल मीडिया पे आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। सो मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक कवर करेंगे इसी शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।